उत्तर प्रदेश की वीर भूमि काकोरी में शुक्रवार को काकोरी ट्रेन एक्शन शताब्दी महोत्सव के अंतर्गत वीरों के नमन कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए डाक अनावरण व संस्कृत विभाग द्वारा निर्मित पुस्तिका का विमोचन किया और बच्चों के साथ काकोरी शहीद मंदिर के बाहर सेल्फी भी ली। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस अवसर पर कहा कि अब भारत का समय आ गया है, दुनिया की कोई शक्ति हमें महाशक्ति बनने से रोक नहीं सकती। उन्होंने कहा कि आज़ादी के अमृत महोत्सव में पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा जो पंच प्रण दिलाए गए हैं, उनको देश के हर नागरिक को आत्मसात करना होगा। यही हमारे अमर बलिदानियों और शहीदों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। अगर हम इन प्रण को आत्मसात करके अपने कार्यों को पूरा करते हैं तो कोई कारण नहीं है कि हमारा देश विश्वगुरु और दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति न बने। इस अवसर पर सीएम योगी ने जिला प्रशासन लखनऊ व संस्कृति विभाग द्वारा आयोजित एक्शन शताब्दी महोत्सव के अंतर्गत वीरों को नमन कार्यक्रम में रोहित खत्री, रामकृष्ण खत्री के प्रपौत्र राजीव कुमार सिंह व क्षिप्रा सिंह, प्रपौत्र व प्रपौत्री ठाकुर रोशन सिंह, आफाक उल्लाह खान, पौत्र अशफाक उल्लाह खान तथा मनमोहन पांडे, कैप्टन मनोज पांडे के भाई समेत स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों के परिजनों को सम्मानित किया। इस दौरान लघु फिल्म, नृत्य नाटिका, वीर गायन समेत विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक आयोजन भी हुए। मुख्यमंत्री योगी ने काकोरी ट्रेन एक्शन को याद करते हुए कहा कि देश से बाहर जा रहे राजस्व को देश सेवा में प्रयुक्त करने की मंशा से जो कार्य पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह जैसे वीर सपूतों ने किया था, उसने न केवल देश बल्कि पूरी दुनिया में सुर्खियां बटोरी थी। प्रदेश भर में आयोजित कार्यक्रमों के जरिए यह मां भारती के वीर सपूतों, उन महान क्रांतिकारियों को जिन्होंने सर्वस्व बलिदान किया था, उन सभी ज्ञात अज्ञात सेनानियों व शहीदों को नमन करने का अवसर है। उन्होंने कहा कि आजादी एक दिन में प्राप्त नहीं हुई, अलग अलग कालखंड में हुए संघर्षों से इसकी नींव पड़ी। अब आजादी के अमृतकाल के शुभारंभ के अवसर पर ही काकोरी एक्शन के शहीदों के प्रति कृतज्ञता प्राप्त करने का अवसर मिल रहा है। हम सब जानते हैं कि देश 1947 में 15 अगस्त के दिन आजाद हुआ, लेकिन आजादी अचानक हमें नहीं मिली। आजादी के लिए एक लंबा संघर्ष हुआ था, अलग अलग कालखंडों में हुआ यह संघर्ष। इतिहास के पन्नों में आज भी हम जानते हैं, पहचानते हैं, उनसे जुड़े हुए स्थल आज भी हमारे लिए तीर्थ स्थल बनकर के एक नई प्रेरणा के स्रोत बने हुए हैं। आजादी की इस लड़ाई का केंद्र बिंदु यद्यपि पूरा भारत था, लेकिन जैसे कि उत्तर प्रदेश की अपनी एक पहचान है, भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पहचान के प्रतीक, उत्तर प्रदेश प्रथम स्वातंत्र समर 1857 के इस अभियान को भी लीड कर रहा था। मंगल पांडे ने बैरकपुर में जहां इसकी अगुवाई की थी, वहीं एक साथ उत्तर प्रदेश के अंदर कहीं गोरखपुर में बंधु सिंह के द्वारा, मेरठ में जहां इस पूरे अभियान को नेतृत्व दे रहे थे धन सिंह कोतवाल, कानपुर के बिठूर में इसको नेतृत्व दे रहे थे नाना साहेब और त्यात्या टोपे जैसे क्रांतिकारी, तो झांसी में महारानी लक्ष्मीबाई, जिनके नाम से ही ब्रिटिश हुकूमत कांपती थी, यह झांसी की रानी लक्ष्मीबाई झांसी में
प्रथम स्वातंत्र समर को एक नेतृत्व प्रदान कर रही थी। आजादी की लड़ाई केवल वहीं थमी नहीं, लगातार जारी रही। सीएम योगी ने कहा कि काकोरी ट्रेन एक्शन के दौरान क्रांतिकारियों ने रणनीति बनाकर भारत का पैसा जो ब्रिटेन ले जाया जा रहा था उसे रोककर भारत की क्रांति में धन का उपयोग किया था। तब जो रकम प्राप्त हुई थी वह मात्र 4,679 रुपए थी, जबकि अंग्रेजी हुकूमत ने 10 लाख रुपए केवल केस पर खर्च कर दिए। घटना में बिना सुनवाई के ही वीरों को फांसी की सजा सुना दी गई थी और नियत दिन से एक दिन पहले ही फांसी देकर उस समय की हुकूमत ने कायरता दिखाई थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि एक्शन में शामिल कुछ वीर सपूतों को फांसी हुई जबकि कुछ को काला पानी की सजा हुई। इन सभी को अंग्रेजों ने तमाम प्रलोभन दिए मगर इनका एक ही जवाब था, जीवन पुष्प चढ़ा चरणों पर, मांगे मातृभूमि से यह वर। तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे न रहे, इसी संकल्प के साथ खुद को बलिदान करना स्वीकार किया मगर हार नहीं मानी। आज आजादी इन्हीं शहीदों के बलिदान का परिणाम है। बहन और भाइयों, हम सब जानते हैं कि 9 अगस्त 1925 को इसी काकोरी में उस समय के महान क्रांतिकारियों पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह, अस्पाउल्ला खां, राजेंद्र नाथ लाड़ी, चंद्रशेखर आजाद और ऐसे तमाम क्रांतिकारियों ने उस दौरान एक रणनीति बना करके भारत के खजाने में डकैती डालने के उद्देश्य से ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा भारत का पैसा जो ब्रिटेन ले जाया जा रहा था इसी काकोरी में उस पैसे को रोक करके क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए उस धनराशि का उपयोग हो सके और भारत की आजादी के इस पैसे का सदुपयोग किया जा सके, इसके लिए काकोरी ट्रेन एक्शन की घटना को अंजाम दिया था। ब्रिटिश हुकूमत कांप गई थी, धनराशि तो थी 4,679 रुपया, लेकिन इन क्रांतिकारियों को गिरफ्तार करने, इन क्रांतिकारियों को सजा दिलाने के लिए ब्रिटिश हुकूमत ने उस समय धनराशि खर्च की थी 10 लाख रुपया। क्रांतिकारी पकड़े गए, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर की जेल में बंद किया गया, ठाकुर रोशन सिंह, राजेंद्र नाथ लाड़ी, अस्फाउल्ला खां को अलग अलग जेलों में, गोंडा, फैजाबाद और नैनी जेल में बंद करके बिना सुनवाई किए ही इन्हें फांसी की सजा सुना दी गई। और फांसी की सजा ही नहीं सुनाई, जो नियत तिथि थी ब्रिटिश हुकूमत कितनी घबराई हुई थी कि नियत तिथि से एक दिन पहले ही इन क्रांतिकारियों को, काकोरी ट्रेन एक्शन के महानायकों को फांसी के फंदे पर लटका करके उस समय की हुकूमत ने अपनी कायरता का परिचय देने का कार्य किया था। लेकिन उस समय इन क्रांतिकारियों को जब सजा भी दी जा रही थी, इन्होंने कभी भी ब्रिटिश हुकूमत के सामने हिम्मत नहीं हारी। इस पूरे आंदोलन को नेतृत्व प्रदान करने वाले पंडित राम प्रसाद बिस्मिल से जब पूछा गया, एक ही बात उनसे पूछा जाता था, जिस भी क्रांतिकारी से पूछा जाता था कि आखिर कोई इच्छा हो ब्रिटिश हुकूमत से माफी मांग लोगे तो हो सकता माफी मिल जाएगी, उन्होंने कहा नहीं, जीवन पुष्प चढ़ा चरणों पर, मांगे मातृभूमि से यह वर, तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन चार रहे न रहे, इस संकल्प के साथ इन्होंने मातृभूमि के लिए फांसी के फंदे पर झूलना स्वीकार किया
लेकिन ब्रिटिश हुकूमत के सामने झुकना स्वीकार नहीं किया। सीएम योगी ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में भारत ने अपनी शानदार यात्रा को आगे बढ़ाया है। भारत अगले 2 वर्षों में देश की तीसरी सबसे बड़ी महाशक्ति बनने जा रहा है। सबके चेहरों पर खुशहाली होगी, मगर ये तभी हो सकता है जब हमारी प्राथमिकता हमारी जाति, मत, मजहब नहीं बल्कि राष्ट्र होगा। समतामूलक समाज की स्थापना के लिए वोकल फॉर लोकल जैसे मूल्यों पर आगे बढ़ना होगा। दुनिया की कोई ताकत भारत का रास्ता नहीं रोक सकती। यही समय है, सही समय है। प्रधानमंत्री मोदी ने आजादी के अमृत महोत्सव पर पंच प्रण की शपथ दिलाई थी, ये हमारा सूत्र होना चाहिए। हम भारत को दुनिया में किस रूप से शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में स्थापित कर सकते हैं, इसका चिंतन करना होगा। आज हम अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं तो कोई कारण नहीं कि भारत की उन्नति न हो। सीएम योगी ने कहा कि 1942 में 9 अगस्त यानी आज ही के दिन महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन का आगाज किया था। हर घर तिरंगा अभियान चलेगा जिसमें हर घर तिरंगा फहराया जाएगा। उत्तर प्रदेश में 4.5 करोड़ तिरंगा हर घर फहराया जाएगा। एक वर्ष तक चलने वाले राष्ट्रभक्ति के विभिन्न कार्यक्रमों में हम सबकी सहभागिता होनी चाहिए। आपने इन क्रांतिकारियों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए, उनकी स्मृतियों को नमन करने के लिए हम लोग इस अवसर पर इस वर्ष प्रारंभ किए हैं काकोरी ट्रेन एक्शन की शताब्दी महोत्सव का एक कार्यक्रम। आज समारोह प्रदेश भर में हो रहा है, हर जनपद में हो रहा है। मंत्रीगण भी गए हैं, माननीय सांसदगण भी हैं, माननीय विधायकगण हैं, महापौर हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, विधान परिषद सदस्य हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, ब्लॉक प्रमुख हैं, चेयरमैन हैं, अलग अलग जनपदों के कार्यक्रम में और शामिल होकर के विद्यार्थियों के साथ, क्रांतिकारी परिवारों के साथ, शहीद परिवारों के साथ, पूर्व सैनिकों के साथ, वीर नारियों के साथ इस कार्यक्रम में सहभागी बनकर के इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ा रहे हैं। ये कार्यक्रम लगातार आगे चलेंगे। इस कार्यक्रम की श्रृंखला में अभी आज ये कार्यक्रम होंगे। आज हर शहीद स्मारक पर राष्ट्र धुन के साथ पुलिस, पीएसी, अर्धसैनिक बल, सैनिक, सेना, होमगार्ड, एनसीसी, इन सब के बैंड की धुन भी 2024 ये अपने क्रांतिकारियों के प्रति, शहीदों के प्रति एक सम्मान का प्रतीक और एक कार्यक्रम लगातार चलेगा। 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा का अभियान चलेगा। हर घर में तिरंगा, भारत की आन मान शान का प्रतीक, भारत का राष्ट्रध्वज हर घर के ऊपर पहराया जाएगा, हर संस्था के ऊपर पहराया जाएगा। और ये कार्यक्रम युद्ध स्तर पर चल रहा है। उत्तर प्रदेश में 4.5 करोड़ तिरंगा हर घर के ऊपर फहराने के एक बड़े लक्ष्य के साथ हम लोग आगे बढ़े हैं। और मुझे प्रसन्नता है कि यहाँ पर प्रदेश सरकार के साथ साथ सभी विभाग और जिला प्रशासन, सभी संस्थाएं मिलकर के इस कार्यक्रम के साथ जुड़ रही हैं। एक वर्ष तक चलने वाला एक कार्यक्रम, कल आपने देखा होगा कि ट्रेन एक्शन की शताब्दी महोत्सव के पूर्व संध्या पर राष्ट्रभक्ति के गानों की भी एक संध्या हर जनपद में आयोजित हुई। ये कार्यक्रम बड़े हर्षोल्लास के साथ लोगों ने उस कार्यक्रम में सहभागिता की, हमारे कलाकारों ने सहभागिता की, स्थानीय कलाकारों का एक मंच मिला अपनी प्रतिभा को दिखाने के लिए। लेकिन इसके साथ आगे एक कार्यक्रम चलेंगे जनपद स्तर पर, सुलेख लेखन, वाद विवाद प्रतियोगिता, लेखन प्रतियोगिता, अन्य सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता, क्विज प्रतियोगिता, ये सभी होंगी। फाइन आर्ट से क्रांतिकारियों के चित्रों को उल्लेख करते हुए, जैसे गोरखपुर विश्वविद्यालय फाइन आर्ट विभाग के बच्चों ने यहां पर काकोरी शहीद मंदिर में क्रांतिकारियों के चित्रों को कितने बेहतरीन तरीके से उकेरा है। वहां पर अगर आप देखेंगे
और ललित कला विभाग ने भी यहाँ पर देखा है कितने अच्छे चित्रों की प्रदर्शनी लगाई है यहाँ के छात्रों के साथ मिलकर के। बहनों और भाइयों, वर्ष भर चलने वाले इन कार्यक्रमों में हम सबकी सहभागिता हो, हम अपने उन महान बलिदानियों को, हम भारत माता के इन महान सपूतों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित कर सके, इस विश्वास के साथ यह आयोजन आज यहाँ पर आज शुभारंभ हो रहा है। कार्यक्रम में लखनऊ की महापौर सुषमा खरकवाल, सदस्य विधान परिषद लालजी प्रसाद निर्मल, अम्बरीश कुमार, भाजपा जिला अध्यक्ष विनय प्रताप सिंह, लखनऊ पूर्व के विधायक ओपी श्रीवास्तव, बख्शी का तालाब के विधायक योगेश शुक्ल, मलिहाबाद की विधायक जया देवी कौशल, मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह, पर्यटन विभाग के प्रमुख सचिव मुकेश कुमार मेश्राम, लखनऊ के जिलाधिकारी सूर्यपाल गंगवार समेत विभिन्न अधिकारी, नेता, अधिकारी व शहीदों के परिजन उपस्थित रहे।